स्टूडेंट टुडे इज लर्निंग अबाउट एन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे जो फर्स्ट चैप्टर की थियोरी थी लास्ट वाला टॉपिक है तो वो बाकी रह चुका था ओके तो हमारे पास लॉ है बहुत सारे वो हमें पढ़ना है ओके उसमें पहला लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में कितने सारे लॉज है जो हमें पढ़ने हैं इसमें पहले वाला लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये मास वाला ये लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मास वो लॉ हमें एंटोनी लेवर नाम का साइंटिस्ट था उन उन्होंने सेवनटीन नाइन में दिया हुआ था ओके इसमें क्या आता है हम डायरेक्टली ले समझ लेते हैं कुछ ज़्यादा हमें थियोरी है नहीं इसमें तो वो जो साइंटिस्ट था एंटोनी लेवेजर उसने सेवनटीन नाइन में बोला कि अगर हम कोई भी एलिमेंट्स को एलिमेंट्स का हम केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं जैसे कि अगर हमारे पास जैसे कि हमारे पास दो हाइड्रोजन है वन ऑक्सीजन है तो हमें रिएक्शन होता है एच टू ओ ओके यानी कि क्या तो क्या हमारे पास रिएक्टन यानी कि इससे स्टार्टिंग में लिया दो हाइड्रोजन थे एक ऑक्सीजन था तो हमें जो प्रोडक्ट मिली वो एच टू ओ यानी कि इसमें दो हाइड्रोजन यहाँ पे थे यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन यहाँ पे वन ऑक्सीजन यहाँ पे भी वन ऑक्सीजन यानी कि जो रिएक्टन में जितने एलिमेंट्स लेते हैं हम हम यूज़ करते हैं उतने ही प्रोडक्ट में हमें एलिमेंट मिलते हैं ओके इसका मतलब कि हम एलिमेंट्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते यानी कि एलिमेंट को हम उसे निकाल नहीं सकते ओके या फिर हम उसे क्रिएट भी नहीं कर सकते उस हिसाब से उसने लो दिया कि मैटर कैन बी नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ओके यानी कि हम मैटर में जो भी एलिमेंट्स या कुछ है उसको हम बना नहीं सकते क्रिएट भी नहीं कर सकते या फिर हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते उसे हम निकाल भी नहीं सकते ओके जितने एलिमेंट्स हम लिए वो जितने रिएक्टेंट में एलिमेंट्स आए उतने हम प्रोडक्ट में मिलेंगे हाँ उसको हम केमिकल चेंज कर सकते हैं उसे आयन में चेंजेस कर सकते हैं लेकिन उसे हम निकाल सकते नहीं है या फिर उसमें दूसरा कुछ ऐड नहीं कर सकते यहाँ पे दो हाइड्रोजन थे तो हमें प्रोडक्ट में फोर हाइड्रोजन मिलेगा नहीं यहाँ पर वन ऑक्सीजन था तो प्रोडक्ट में, में मिला है वो वन ही ऑक्सीजन है इसका मतलब कि हमारे पास कैलकुलेसन्स सेम होना चाहिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ओके तो हम उस हिसाब से हमारे पास उसने लॉ दिया है और लॉ में क्या बताया है कि जो भी हमारे पास मैटर है क्या है मैटर तो उस मैटर में हम अपने एलिमेंट्स में के जो उसे हम नेवर बी क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड है यानी कि हम बना भी नहीं सकते या उसे हम कैंसल भी नहीं कर सकते ओके चलो उसके बाद वाली थियोरी में पढ़नी है लॉ ऑफ प्रपोजिशन डेफिनेट या फिर उसे एग्जैक्ट प्रपोजिशन भी बोल सकते हैं ओके प्रपोजन वाला ओके okay, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोजन बाय एग्जांपल यानी कि हमारे पास लॉ ऑफ प्रपोजन वाला है कांस्टेंट प्रपोजन भी बोल सकते हैं उसे फिक्स्ड प्रपोजन भी बोल सकते हैं डेफिनेट प्रपोजन भी बोल सकते हैं ओके वो हमें समझाना है और उसके बाद उसका एग्जाम्पल भी लर्न करना है तो पहले हम लर्न करते हैं कि ये लॉ है वो लॉ किसने दिया था तो प्राउड जोसेफ नाम का साइंटिस्ट था कौन सा साइंटिस्ट प्राउड जोसेफ उन्होंने ये लॉ दिया था आई थिंक ये हमारे पास कंजर्वेशन मास वाला लॉ आया था सेवनटीन के वो सेम टाइम पे ही वो ये लॉ दिया हुआ था ओके okay? ये लॉ में क्या था हम डायरेक्टली समझ लेते हैं तो कि ये लॉ में उसने क्या किया उसने यानी कि जोसेफ प्राउस्ट ने जोसेफ प्राउस्ट ने क्यूपरिक कार्बोनेट ये रहा क्यूप्रिक कार्बोनेट यानी कि क्यूपरिक कार्बोनेट यानी कि सी यू सी ओ थ्री ओके क्यूपरिक कार्बोनेट का एग्जाम्पल लिया यानी कि क्यूपरिक कार्बोनेट में क्या है तो कि हमारे पास क्यूपरिक सी यू है कार्बन है और ऑक्सीजन है ओके तो क्या ये इसका मतलब क्या होता है तो क्या पहले उसने क्या किया उसने दोनों तरफ से अगर क्यूपरिक कार्बोनेट की बात की जाए तो क्यूपरिक कार्बोनेट हमें अर्थ के नियर में से यानी कि उसके अंदर से भी हमें अर्थ से भी मिलता है नेचुरली नेचुरल उसका सैंपल नेचुरल सैंपल भी मिलता है ना अर्थ से हमें रेडीमेड अर्थ से और दूसरा हम उसे लेबोरेटरीज में भी बना सकते हैं उन्होंने दोनों का दोनों को कंपेयर किया तो पहले उसने जो हमारे पास अर्थ के अंदर से जो हमें मिला था सी ओ सी ओ थ्री वो नेचुरली कौन सा ये रहा हमारे पास फर्स्ट वाला नेचुरली सैंपल कौन सा है पहले वाला नेचुरल फिर सिंथेटिक यानी कि हमें उसे लेबोरेटरीज में बनाया था ओके तो पहले उसने क्या किया नेचुरल वाला सैंपल था ना उसमें उसने देखा कि सी यू एसओ सी यू सी ओ थ्री है सी यू ओ थ्री उसमें सी यू के परसेंटेज कितने हैं कॉपर के परसेंटेज देखिए नेचुरल वाला जो उससे अर्थ के अंदर से मिला था उसमें देखा तो उसने फिफ्टी वन पॉइंट थर्टी फाइव कॉपर का परसेंटेज था सी यू सी ओ थ्री में उसके बाद उसने कार्बन का देखा तो वो नाइन पॉइंट सेवेंटी फाइव था उसके बाद उसने ऑक्सीजन का देखा वो थर्टी एट पॉइंट नाइन्टी वन था ओके ये तो उसे नेचुरली जो मिला था सी यू सी ओ थ्री उसमें था फिर उसने क्या उसके दिमाग में क्या चल रहा था पता है उस उसके दिमाग में वो चल रहा था कि हमें नेचुरली जो सैंपल मिला है उसमें सी यू सी ओ थ्री में कितने परसेंटेज है सी यू के सी कार्बन के और ऑक्सीजन के और हम बनाते हैं उसमें परसेंटेज कितने वो दोनों सेम आना चाहिए उसका दिमाग में वो चल रहा है उस वजह से उसने सैंपल लिया पहले नेचुरल वाला वो उसने वो परसेंटेज निकाले उसके बाद उसने जो लेबोरेटरीज थी उसमें बनाया सी यू सी ओ थ्री लेबोरेटरीज में बनाया फिर उसने उसका भी प्रैक्टिकल किया उसमें सी यू देखा फिफ्टी वन पॉइंट थर्टी फाइव फिर कार्बन का नाइन पॉइंट सेवेंटी फोर फिर उसे ऑक्सीजन का मिला थर्टी एट पॉइंट नाइन्टी वन उन दोनों सैंपल को, को नेचुरल व सिंथेटिक दोनों सैंपल का उसने कंबाइन किया और देख कंबाइन मीन्स के यानी कि उसे कंपेयर किया और देखा कि इन दोनों में डिफरेंट क्या है लेकिन उसे देखते ही पता चला कि अगर नेचुरल वाला सैंपल था वो और सिंथेटिक वाला सैंपल दोनों एक जैसा ही है यानी कि अगर हम सैंपल को कहीं से भी हमें से वो जो हमारा सी यू सी ओ थ्री या कोई भी कंपाउंड लिया जाए कोई भी कंपाउंड को हम नेचुरली हमें मिलता है या फिर हमें उसे लेबोरेटरीज में बनाते हैं तो वो एक जैसा ही होगा यानी कि सी यू सी ओ थ्री को अगर हम अपने अर्थ में से निकाल लें नीचे से तो वो ही एक ऐसा ही होगा जो हम अपने लेबोरेटरीज में बनाते हैं ये वो इंडिया वाला हो या फिर अमेरिका वाले हो या फिर रशिया वाले हो सी यू सी ओ थ्री सेम ही होता है जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो वाटर पानी यानी कि एच टू ओ पानी अगर हम यहाँ पे जाए समुद्र का पानी ले तो उसमें भी कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होगा समुद्र में भी अगर हम दूसरी जगह पे जाए कोई भी जगह अमेरिका के समुद्र में भी जाए तो वहाँ पे भी एच टू ओ यानी कि पानी में एच टू ओ ही होगा दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ ही जॉइंट होगा अगर हम गटर का पानी ले तो उसमें भी उसमें भी एच टू ओ ही होगा उसमें भी दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ही होगा यानी कि किसी भी जगह पे हम कोई भी वाटर की बात करें तो उसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ही होगा यानी कि सोर्स का इम्पोर्टेंस है नहीं ओके यानी कि हमें इम्पोर्टेंस क्या है पानी इम्पोर्टेंस है जैसा भी है लेकिन उसमें दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन ही होता है वो कैसा भी पानी हो वो गटर वाला हो समुद्र का हो या फिर हमारे पास फिल्टर का आर का पानी हो तो उसमें एच टू ही होता है ओके इसका मतलब वो हमारा सी यू सी ओ थ्री जैसा ही होगा उस पर से उसने लो दिया कि अ कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एलिमेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय वेट यानी कि कोई भी कंपाउंड हम कोई भी कंपाउंड ले ऑलवेज उसमें एलिमेंट का रेशियो होता है ना वो फिक्स होता है यानी कहीं पे भी जाए वहाँ पे हम पानी नहीं ले तो उस पानी में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन तो निकलेगा निकलेगा और निकलेगा ही ओके और दूसरा उसमें ऐड किया था उसने इ ऑफ सोर्स यानी कि इरिस्पेक्टिव सोर्स यानी कि वो किसी भी सोर्स पे डिपेंड है नहीं ओके okay? वो यहाँ पे रहा इरिस्पेक्टिव वाला सोर्स यानी वो सोर्स पे डिपेंड है नहीं अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स इन द सेम प्रपोजन ओके ये रहा हमारा लो वाला ओके okay? समझ में आ गया तो ये हमारे पास जो से थे उन्होंने फर्स्ट क्या किया दो सैंपल लिए और दो सैंपल को यानी कि एक जो से, से फर्स्ट वाला नेचुरल था वो सैंपल और सिंथेटिक सैंपल दोनों का उसने उसने लर्न किया और दोनों सब के सबके परसेंटेज निकाले तो वो दोनों सेम मिले ओके डन ओके ये ये हमारा था सेकंड वाला लॉ ओके okay, उसके बाद वाला लॉ है हमें देखो मल्टीपल प्रपोजन वाला एक्सप्लेन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोजन ओके okay, इस लॉ को डाल्टन ने 1803 सेंचुरी में यानी कि 1803 में इस लॉ को उसने प्रपोज किया था ओके okay? प्रपोज किया था उस लो ऐसा था कि अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू दिस लो इज ऑफ इफ टू टू अकॉर्डिंग टू दिस लो इज ऑफ इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फ्रॉम मोर द मोर देन वन कंपाउंड द मास ऑफ वन एलिमेंट द कंबाइन विथ अ फिक्स मास ऑफ द अदर एलिमेंट्स आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल वॉल नंबर यानी कि उसने क्या बताया कि अगर हम वन एलिमेंट्स को दूसरे एलिमेंट्स में यानी कि टू एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं कोई भी दो एलिमेंट्स को यानी कि हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया तो हमें वाटर भी मिलता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करने से हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी मिलता है ओके okay? उसका हमें केमिकल रिएक्शन लिखना है तो हम लिख सकते हैं जैसे कि ये हाइड्रोजन है प्लस ओ टू तो हमें क्या मिलता है एच टू ओके ये रहा हमारा वाटर का तो हमारे पास ये हाइड्रोजन वाला है तो अगर देख सकते हो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं दो है ना एच टू तो अगर उसका हम वेट की बात करें मास की तो इसका दो ग्राम होगा इसका सिक्सटीन ग्राम होगा तो हमें जो यहाँ पे मिलता है वो कितना मिलता है एटीन ग्राम ओके जो यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है देख सकते हो आप लोग यहाँ पे ओके कहाँ पे दो ग्राम सिक्सटीन ग्राम और एटीन ग्राम ओके यानी कि हमारे पास इसे निकाल दो हमारे पास कितने हाइड्रोजन के दो हाइड्रोजन हम लिए थे H2 टू यहाँ पे और ये ऑक्सीजन अकेला सिक्सटीन दोनों का प्लस करके हमें वाटर मिला यानी कि इन दोनों का प्लस करके यहाँ पे मास हमें मिलता है यानी कि यहाँ इसका मास और इसका मास रिएक्टन का मास और प्रोडक्ट का मास दोनों सेम होगा गिव्स की दोनों साइड इस तरफ और इस तरफ दोनों साइड सेम मास होगा फिर वो रिएक्शन कोई भी हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की पहले वाली बात की दूसरा इक्वेशन की बात करें दूसरे इक्वेशन में क्या है पता है उसमें एच टू ये हाइड्रोजन प्लस ओ टू तो मिलता है एच टू ओ टू क्या एच टू ओ टू एच टू ओ टू यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड ओके और ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करने से पानी भी मिलता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करने से हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी मिलता है वो डिपेंड किस पे रहता है एलिमेंट्स के एलिमेंट्स कितने कंबाइन किए हैं ओके यहाँ पे दो हाइड्रोजन था और एक ऑक्सीजन था इस वजह से वाटर मिला यहाँ पे दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन है उस वजह से हमें हाइड्रोजन पैरॉक्साइड मिला इसका वेट हम ग्राम में देखा है दो एक ये ऑक्सीजन वन ऑक्सीजन का सिक्सटीन दो का थर्टी टू दोनों को प्लस करो यहाँ पे थर्टी फोर ओके ये थर्टी टू और प्लस टू थर्टी फोर ओके इसे निकल लेता हूँ अब यहाँ पे वापस आ जाओ देखो यहाँ पे दो प्लस सिक्सटीन इज इक्वल टू यहाँ पे गिव्स ये एटीन दो प्लस थर्टी टू गिव्स टू थर्टी फोर उसने बताया कि अगर ये डाल्टन ने बताया कि कोई भी हमारे पास दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को हम मिक्स करते हैं तो जो हमें रिएक्शन हो के जो हमें प्रोडक्ट मिलती है ना उस प्रोडक्ट यानी कि उसके मास यानी कि रिएक्टन का मास और हमारे पास प्रोडक्ट था उन दोनों को मास इक्वल होगा यानी कि अगर हमने एटीन एटीन ग्राम रिएक्टन का यूज़ किया है इन दोनों का एटीन मिला के तो हमें प्रोडक्ट भी एटीन ग्राम ही मिलेगी ओके एटीन ग्राम यहाँ पर हमने थर्टी ग्राम यूज़ किया है तो यहाँ पर थर्टी फोर ही मिलेगा यानी कि अगर हमें उसका हिसाब देना पड़ता है यानी कि हम जितना भी यूज़ करते हैं उतना ही मास भी हमें मिलता है ओके दोनों एग्जाम्पल लिख लेना ये इसने रू किया था ये हमारे पास थियरी है तो ये दोनों का एग्जाम्पल अगर एक फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन कंबाइंड विथ ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कम्बाइन ऑक्सीजन होता है तो टू कंपाउंड्स बनते हैं वाटर भी बन सकता है और हाइड्रोजन पैर भी बनता है बन सकता है ओके और हाइड्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन यानी कि वन ऑक्सीजन ज्वाइंट होगा दो हाइड्रोजन के साथ वन ऑक्सीजन ज्वाइंट होगा तो पानी बनेगा और दो तो हाइड्रोजन के साथ दो ऑक्सीजन ज्वाइंट होता है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है ओके इक्वेशन लिखना है तो आपको पता है एच टू प्लस ओ गिव एच टू ओ एच टू प्लस ओ टू एच टू ओ टू हाइड्रोजन पैरॉक्साइड ओके ये था हमारा मल्टीपल प्रपोजन वाला थियरी ओके उसके बाद वाले थ्योरी हम पढ़ते हैं उसके बाद वाला लो है हमारे पास गैल्यूसेक का लो गैस वॉल्यूम के लिए गैल्यूसेक ने जो लो दिया उसके बाद वाला लो है हमारे पास गैल्यूसेक का लो गैस वॉल्यूम के लिए गैल्यूशेक ने जो लो दिया है हमारे पास गैल्यूशेक ने जो लो दिया है वो लो हमारे पास गैस के लिए है वो सॉलिड के लिए था ये हमारे लिए गैस के लिए वॉल्यूम है ओके गैस वॉल्यूम के लिए ओके तो उसने क्या बताया उसने एटीन जीरो एट सेंचुरी में गैल्यूशेक ने बताया ऑब्जर्व किया उसने गैस गैस पे ये सब लर्न किया और गैस पे थियोरी दी उसने बताया कि अगर हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को कंबाइन करने से वाडर मिलता है लेकिन अगर हम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की बात करें तो गैस की बात करते हैं ना तो वो उसका रेशियो पे डिपेंड करता है कि उसका रेशियो कितना है वो अगर हम दोनों की बात की जाए तो इसमें क्या करना है रिएक्शन केमिकल रिएक्शन करना है और केमिकल रिएक्शन पे हमें क्या टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखना है कोई भी सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे हम गैस की बात कर रहे हैं तो क्या होता है चलो तो हम बात करते हैं ये रहा हमारा हाइड्रोजन और ये रहा ऑक्सीजन और ये रहा वाटर हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कंबाइन करने से वाटर मिलता है लेकिन ये नीचे लिखा हुआ है ना हंड्रेड एम एल पच्चीस आइए फिफ्टी एम वाला इसमें थे हमें मिलता है हंड्रेड एम ये समझ में नहीं आया सर तो चलो ये हमें समझना है ये इक्वेशन लिखते हैं एच टू प्लस ओ यहाँ क्या मिलता है एच टू ओके ये रहा हमारा इक्वेशन और ये क्या है गैस सब गैस है वो सर ये ऑक्सीजन अकेला नहीं होता वन पॉइंट टू ओ टू कर दीजिए ये भी गैस ओके okay? चलो अब देखो इसका ये वन ऑक्सीजन है ना ये इसको अभी ये वन पॉइंट टू ओ टू है यानी कि वन ऑक्सीजन है यानी कि इसका इसके ऑक्सीजन की इतना जरूरी है हमें हमें कितनी जरूरत है ऑक्सीजन की वन की और दो हाइड्रोजन की यानी कि अगर हमारे पास दो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन का रेशियो दो है ऑक्सीजन का वन रेशियो है तब हमें वाटर कितना मिलता है वन ओके यानी कि क्या तो कि हमें पास हमारे पास वन ऑक्सीजन एलिमेंट है और उसके साथ दो हाइड्रोजन एलिमेंट रिएक्शन करते हैं तभी हमें वन ये एच टू कितना है वन ही है ना तब हमें वन एच टू मिलता है कैसे है कि जैसे कि ये हाइड्रोजन उसके साथ ये हाइड्रोजन इसके साथ ये ऑक्सीजन ये जॉइंट होने से हमें मिलता है ऐसे ओके यानी कि अब समझो अगर ये हमने हंड्रेड एम लिया कितना एम लिया हमने हंड्रेड एम ये तो हमें डबल चाहिए ना ये हमें डबल चाहिए तो ये, इसका मतलब ये हमने फिफ्टी एम लिया तो ये कंबाइन हो क्या ये फिफ्टी वाला के साथ यहाँ पे फिफ्टी हाइड्रोजन कंबाइन होगा और यहाँ पे दूसरा फिफ्टी हाइड्रोजन कंबाइन होगा और बनेगा क्या पानी ओके तो ये समझ में आ गया इसका मीनिंग क्या होता है पता है इसका मीनिंग होगा कि अगर हम हंड्रेड हंड्रेड एम एल वाटर लेंगे प्लस फिफ्टी एम एल ऑक्सीजन लेंगे तो हमें हंड्रेड एम एल सॉरी हंड्रेड एम एल एच टू लेंगे फिफ्टी एम एल ऑक्सीजन लेंगे तो हमें हंड्रेड एम एल वाटर मिलेगा इसका मतलब है कि हाइड्रोजन यानी कि के दो रेशियो है यानी कि हाइड्रोजन दो है वो ऑक्सीजन वन है तो हमें दो नहीं लेकिन वन वाटर मिलता है इसका मतलब कि हमारे पास जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उनका रेशियो है ना यानी कि इसका रेशियो होगा टू जेम। वन रेशियो, ओके यानी कि किसी भी जगह पे हम जाए किसी भी जगह पे जाए कहाँ पे किसी भी जगह पे इसका मीनिंग क्या होता है पता है इसका मीनिंग होगा कि अगर हम हंड्रेड हंड्रेड एम एल वाटर लेंगे प्लस फिफ्टी एम एल ऑक्सीजन लेंगे तो हमें हंड्रेड एम एल सॉरी हंड्रेड एम एल एच टू लेंगे फिफ्टी एम एल ऑक्सीजन लेंगे तो हमें हंड्रेड एम एल वाटर मिलेगा इसका मतलब है कि हाइड्रोजन यानी कि के दो रेशियो है यानी कि हाइड्रोजन दो है वो ऑक्सीजन वन है तो हमें दो नहीं लेकिन वन वाटर मिलता है इसका मतलब कि हमारे पास जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उनका रेशियो है ना यानी कि इसका रेशियो होगा टू जेम वन रेशियो ओके यानी कि किसी भी जगह पे हम जाए किसी भी जगह पे जाए कहाँ पे किसी भी जगह पे जाए हम अमेरिका या रसिया पे जाए तो वहाँ पे हम ऐसे ही होगा वन ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन ही कंबाइन होते हैं ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने हंड्रेड एम हाइड्रोजन को फिफ्टी एम ऑक्सीजन के साथ हंड्रेड एम हाइड्रोजन को फिफ्टी एम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने से हमें हंड्रेड एम वाटर वेपर मिलेगा यानी कि गैस में हाइड्रोजन कितना लिया हंड्रेड लिया फिफ्टी ऑक्सीजन लिया तो हमें वाटर कितना मिला हंड्रेड एम एफ यानी उन दोनों का रेशियो यानी कि टू जी एम वन है क्योंकि एच टू ओ में क्या होता है एच टू ओ यानी कि ये टू ये वन ओके तो ये उसका रेशियो भी फिक्स हुआ उस पर से उसने गिल्यू ने ये थियरी दी हुई थी ओके तो अब उसके बाद हमें पढ़ना है एओ वाला लॉ ओके ओके okay, उसके बाद वाला लॉ हमारे पास है एवोग्रेडो लॉ विथ फिगर हमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सप्लेन एवोग्रेडो लॉ विथ फिगर उसके बाद वाला लॉ हमारे पास है एवोग्रेडर लॉ विथ फिगर हमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सप्लेन एवो लॉ विद विथ फिगर ओके तो हमें ऐसे लिखना है हम पहले समझ लो अपनी तरफ से थियरी लिख सकते हैं ये एवोग्रेडर ने लॉ दिया है एटीन एलेवन सेंचुरी में उसने लॉ दिया उसमें बताया सेम प्रेशर एंड सेम टेम्परेचर पे इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस को हम यूज़ करते हैं तो सो वो इक्वल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं यानी कि सेम प्रेशर और सेम टेम्परेचर पे इक्वल वॉल्यूम गैस का केमिकल रिएक्शन करने से हमें इक्वल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मिलते हैं ओके तो ये समझ में आता नहीं है चलो हम इक्वेशन से समझते हैं हमारी फिगर से समझते हैं तो पहले हमें हमें हमारे पास अभी इक्वेशन है ना जैसे कि ये एच टू ओ एच टू को ऑक्सीजन के साथ ज्वाइंट करने से एच टू ओ मिलता है ओके okay? ये ऑलवेज अकेला नहीं होता कभी नहीं होता ये वन वन टू ओ टू कीजिए ओके ये एच टू वाला ना इससे पहले जब ए ने लो दिया था ना तब ये ये प्रूव नहीं हुआ था यानी कि सब साइंटिस्ट तो ये ऐसा मानते थे कि हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं होता यानी कि सेम एलिमेंट्स कभी जॉइंट हो सकते नहीं है यानी कि वो डाई नहीं हो सकते डाई यानी कि ये हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन जॉइंट एच टू है ना उसे डाई बोलते हैं हाँ हाइड्रोजन कार्बन के साथ कंबाइन हो सकता है कार्बन ऑक्सीजन के साथ लेकिन ऑक्सीजन ऑक्सीजन मीन्स कहने का मतलब क्या है कि ये कैसे है ये डाई है ना पहले ऐसे मानते नहीं थे ये कभी हो सकता नहीं है यानी कि H2 नहीं हो सकता O2 नहीं हो सकता C2 ये सब होते नहीं है यानी कि क्या कि डाइटोमिक नहीं हो सकते तो लेकिन तो उससे पहले क्या मानते थे एवोग्रेडो ने जब बताया तब ये लोग मानते थे कि कि हमारे पास अगर दो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ है, दो हाइड्रोजन यानी कि दो अलग अलग हाइड्रोजन रिएक्शन करते हैं दो ऑक्सीजन अलग अलग के साथ और फिर जॉइंट होते हैं यानी कि H2 नहीं होता वो इससे पहले वो ऐसा करते थे कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ऐसे जॉइंट होके H2O ओ बनता है लेकिन उसके बाद देवोग्रेडो ने बताया कि हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है वो डाइटोमिक होता है वो पॉलीएटॉमिक जैसे कि बहुत सारे हो सकते हैं हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन जॉइंट हो सकता है ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन ऐसे बहुत सारे एटॉमिक जॉइंट हो सकता है ये एटॉमिक हो सकता है यानि कि ये एच टू होता है उसने क्या बताया कि ये दोनों जॉइंट होते हैं और ये भी जॉइंट होता है ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन और ये दूसरा हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन इन दोनों को प्लस करने से हमें यहाँ पे क्या मिलेगा तो कहिए एच टू ओ प्लस एच टू ओ यानी कि दो मोल हमें वाटर मिलेगा क्योंकि यहाँ पे हमने दो एच टू यानी कि एच टू वन और एच टू यानी टू एच टू और ओ टू उसके साथ रिएक्शन करने से हमें एच टू ओ मिलता है अगर उससे भी ज़्यादा समझना है तो हमारी फिगर में हम देख सकते हैं। फिगर में हम बताया है अब देख सकते हो कि ये हाइड्रोजन हाँ ऐसे ही होता है ओके हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन ये डाई वो डाइटोमिक होता है ये भी डाई सब अकेले कभी हाइड्रोजन नहीं होता अकेले ऑक्सीजन अकेले नाइट्रोजन कोई भी एलिमेंट्स अकेला नहीं होता तो अगर ये है तो ये वन टू थ्री फोर फाइव फाइव ऑक्सीजन के ओ टू है तो हमें फाइव यानी कि टेन ऑक्सीजन है ना टेन ऑक्सीजन है तो हमें पानी बनाना है तो हमें ट्वेंटी हाइड्रोजन चाहिए ना तो इसका मतलब ये फाइव है तो वन ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन यानी कि ये दो ऑक्सीजन के साथ ये और ये जॉइंट हो जाएगा इसके बाद इसके साथ ये और ये इस हिसाब से सब ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन जॉइंट हो जाते हैं कहने का मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं बनता है तो H2O ऐसे बनता है कहने का मतलब है कि ये हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन ये डाई ऑटोमिक यानी कि एलिमेंट्स कभी अकेले होते है, नहीं है वो डाई में होते हैं लेकिन ये जब उसने एवोगेडो तो साइंटिस्ट का नेम क्या था लॉरेंजो रोमेडो एमिडो कार्लो एवोगेड्रो वो पूरा नेम है उसका है ओके यानी कि उसे शॉर्ट में एवोगेड्रो बोलते हैं एवोगेड्रो यानी कि उस सेवनटीन सेवनटीन सेवेंटी सिक्स से एट्टी फिफ्टी सिक्स समथिंग तक उसने ये अपने प्रैक्टिकल किया तो उसमें उसने प्रूव किया था कि ये डाइटमिक होते लेकिन दूसरे साइंटिस्टों ने उसने उसको ये नकार दिया यानी कि वो ये गलत साबित कर दिया और बताया कि ऐसा कभी होता नहीं है लेकिन उसके बाद फिफ्टीन ईयर के बाद एटीन सिक्स जीरो एटीन सिक्स ज़ीरो में जर्मनी में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें दूसरा साइंटिस्ट था उसने स्टैनलिसो कैरिजारो जो साइंटिस्ट था उसने वो प्रूव किया कि जो एवे जो हमारे पास एवोग्रेडो ने जो लो दिया था वो सही है हाइड्रोजन ऑक्सीजन या कोई भी एलिमेंट्स वो सेम एलिमेंट एक दूसरे के साथ जॉइंट हो सकते हैं ओके उसके बाद वो प्रूव हुआ और एवोग्रेडो ने जो बताया था वो लो हम भी पढ़ सकते हैं ओके चलो ओके okay, हो गया उसके बाद अब हमें पढ़ना है डाल्टन का लो ये अगर थियरी हमें पूछी जाती है तो इतना सारा लिखने का है हमें ओके okay? तो आप देख सकते हो कितना लिखना है हमें ये पूरा ही ओके okay? डन उसके बाद हमारी थियरी है डाल्टन डाल्टन वाली थियरी यानी कि हमारे चैप्टर की लास्ट थियरी ये थियरी के बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हम थर्ड वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे ओके ओके ठीक स्टूडेंट उसके बाद वाली थियोरी है हमारे पास डाल्टन की एटोमिक थियरी ओके okay? तो हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है राइट अबाउट डालटन एटोमिक थियरी तो हमें इतना पॉइंट लिखना है तो हमें टेक्स्ट बुक में थोड़ा ज़्यादा लिखा हुआ है यानी कि स्टार्टिंग में जो दिया हुआ है वो लिखने की जरूरत है या नहीं तो इस हिसाब से अगर स्क्रीन भी ले सकते हो तो इतना लिखना है और हमारे लिए इम्पोर्टेंस भी है ये ओके okay? तो हमें ओके ठीक स्टूडेंट उसके बाद वाली थियरी है हमारे पास डाल्टन की एटोमिक थियरी ओके okay? तो हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है राइट अबाउट डालटन एटॉमिक थियरी तो हमें इतना पॉइंट लिखना है तो हमारे टेक्स्ट बुक में थोड़ा ज़्यादा लिखा हुआ है यानी कि स्टार्टिंग में जो दिया हुआ है वो लिखने की जरूरत है या नहीं तो इस हिसाब से अगर स्क्रीन भी ले सकते हो तो इतना लिखना है और हमारे लिए इम्पोर्टेंस भी है ये ओके okay? तो हमें स्टार्टिंग में फर्स्ट वाला पॉइंट तो कि हमें डाल्टन ने ये थियरी हमें एटीन जीरो एट सेंचुरी में दी हुई थी ओके ये फर्स्ट वाला पॉइंट उसके बाद एटम इज़ द अल्टीमेट पार्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर यानी कि हमारे पास जो मैटर है उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे ओके ये थियोरी हमारी डाल्टन की थियरी है ना वो हमें इससे पहले जो जितने लोग पड़े हैं उन सबको मिला के ये थियोरी बनाई है ओके क्योंकि जो इससे पहले वाले जो साइंटिस्ट थे एवोग्रेडो थे तो एवोग्रेडो थे फिर उससे पहले कॉम्बिनेशन वाला वो कंजर्वेशन मास वाला लो दिया था एंटोनी लेजेर वाला उसके बाद जैसे प्राउस्ट उसके बाद गाउस का गैस वॉल्यूम इन सबको मिला के डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थियोरी दी थी ओके उसमें जहाँ पे अब हम बोलते हैं ना कि मैटर है ना वो छोटे छोटे टुकड़ों का बना हुआ है मैटर यानी कि मैटर है वो छोटे छोटे टुकड़ों यानी कि छोटे छोटे एटम से बना हुआ है ओके okay? तो ये वर्ड कहाँ से आया तो वो एटोमी वर्ड पर से आया इनविजिबल एटोमी मीनिंग यानी कि इनविजिबल एटोमी एटोमियों पर से वो ये वर्ड आया तो इन 1808 सेंचुरी में डाल्टन ने न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसॉफी इन विच इज़ ही प्रपोज द फॉलोविंग यानी कि उसने जो एक सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम और न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसोफी पे से उसने अपने रूल्स दिए हुए वो रूल्स यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं जो हम पढ़ सकते हैं ओके तो फर्स्ट वाला उसने रूल्स दिया हुआ था कि मैटर कॉन्सिस्ट ऑफ इनविजिबल एटम्स यानी कि जो मैटर है वो बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स के एटम्स के टुकड़े से बना हुआ है वो तो हमें पता ही है क्योंकि अगर हम पेन मार्कर की बात करें तो पेन और मार्कर भी छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े से बना हुआ है ना कोई भी हो ओके okay? उस हिसाब से अगर हम सब्सटेंस या कंपाउंड की बात करें वो भी छोटे छोटे एलिमेंट्स को एक साथ जॉइंट करने से बनता है यानी कि मैटर कंसिस्ट कॉन्सिस्ट ऑफ इनविजिबल एटम्स ओके okay? उसके बाद ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स हैव अ आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूड आइडेंटिकल एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट मास ये समझना क्या है अगर हम किसी एक एलिमेंट्स की बात करते हैं यानी कि ऑक्सीजन की बात करते हैं तो अगर हमारे पास जो हम ऑक्सीजन लेते हैं हमारे एटमोस्फियर में वो ऑक्सीजन या फिर पानी में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन या फिर हमारे पास एच टू ओ टू हाइड्रोजन पैरऑक्साइड में आने वाला ऑक्सीजन है वो यानी कि ऑक्सीजन कहीं पर भी ऑक्सीजन को निकाल ले कहीं पे से भी तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी सेम ही होगी क्योंकि कोई भी जगह पे जाए एक बॉक्स में अगर मैं पंद्रह बीस ऑक्सीजन को डाल दूं तो सब ऑक्सीजन की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी ही होगी ओके okay? समझ में आया यानी कि अगर हम कोई भी एलिमेंट्स की बात करें कोई एक एलिमेंट हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन सब जगह उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसे ही होती है ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे हाइड्रोजन इंडिया में वो फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसी होती है केमिकल प्रॉपर्टी वो हम अमेरिका में ले जाए तो वहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती ऐसा होता नहीं इसका मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि सेम एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है डिफरेंट एलिमेंट्स यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो तो सिंपल सा ही है अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कंपेयर करने जाए तो हाइड्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी ऑक्सीजन की फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स टू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट ओके यानी कि अगर एक जैसे एलिमेंट्स होंगे तो उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी अगर अलग अलग है तो उसकी प्रॉपर्टीज यानी कि फिजिकल एंड केमिकल दो प्रॉपर्टीज होती है ना उस हिसाब से अगर अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज डिफरेंट्स होती हैं ओके डन उसके बाद हम बात करते हैं कंपाउंड आर फॉर्मेड वेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स रेशियो ये भी हमने पढ़ा हुआ था ये भी पढ़ा हुआ था यानी कि हम पानी की बात करें किसकी पानी की तो उसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ही होगा कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो उसमें वन कार्बन और दो ऑक्सीजन ही होगा किसी पे किसी जगह पे जाए वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के निकाल के यहाँ पे मेजर करो वहाँ पे वन कार्बन और दो ऑक्सीजन निकलेगा किसी भी जगह पे जाए वो वाटर निकाल लो उसमें दो हाइड्रोजन और एक वन ऑक्सीजन ही निकलेगा यानी कि उसका रेशियो फिक्स होता है ओके यानी एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो उसका रेशियो फिक्स होता है ओके उसके बाद लास्ट वाला केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन एटम्स देर दिस आर द नर क्रिएट एंड डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन वाला ओके ये सब बहुत लॉन्ग डिस्टेंस वाला है तो ये हमें याद रखने ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत है नहीं ओके क्यों क्योंकि ये हमारा आप पहले आ चुका है ये कहाँ आया था तो फर्स्ट वाला लो कौन सा था हमारे पास कंजर्वेशन मास वाला ओके थोड़ी सी उसने लैंग्वेज चेंज की है तो हम वहाँ पर क्या लिख सकते हैं हमारे पास वो दिया था ना अ कंपाउंड या फिर मैटर की बात करें मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ओके इतना लिखना है तो लिख सकते हो लिखना है तो लिख सकते हो मैटर कैन बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड यानी कि यहाँ से आपको लिखना है तो क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड वाला है उन केमिकल रिएक्शन ओके तो ये हमारे पास फर्स्ट वाला कंजर्वेशन मास वाला रिएक्शन था एंटोनी लेवेजर का वही है ओके okay? तो ये फोर पॉइंट हमें लिखना है ये है, है, है हमारी डाल्टन की थियोरी ओके okay. यहाँ पे यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट वाला चैप्टर खत्म होता है उसके बाद वाले लेक्चर में हम थर्ड वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे ओके थैंक यू